ये देखो बहुत बेसिक सवाल है बच्चों। अगर इसमें देखोगे कि फाइव फोर्सेस, हर एक का फाइव फोर्स है, फाइव फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, एक टर्निंग पॉइंट एंड दे आर इन द सेम प्लेन, इफ द एंगल बिटवीन देम इक्वल द रिजल्टेंट ऑफ दोज फोर्स। देखो अगर फाइव फोर्स है, देखो कोई भी अगर फोर्स, दो फोर्स है, एक F1 है और एक F2 है, और अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट है और 180 डिग्री पर लग रहे हैं भाई, ठीक है ना, तो अगर ए भी 10 न्यूटन है, ए भी 10 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट क्या होता है भाई? जीरो होता है यार, ठीक है ना, एक ही प्लेन में रख ले स्क्रीन पे। अगर तीन होते हैं, ए भी 10 न्यूटन है और ए भी 10 न्यूटन है और ए भी 10 न्यूटन है और एक ही प्लेन में लग रहे हैं, तो A120 हो गया, A120 हो गया, A120 हो गया, तो इनका भी रिजल्टेंट कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि जब ये 10-10 का रिजल्टेंट लोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे, तो वो तीसरे के अपोजिट आ जाएगा यार। इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे 120 डिग्री पे, दो रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगा के देखो R-, तो वो भी 10 न्यूटन आ जाएगा, जो कि इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, ठीक ना। तो अगर तुम देखोगे इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर दिया, तो अब देखो बेसिकली तुम क्या करोगे यहाँ पे, इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर दिया, तो इन जनरल इस रूल को समराइज कर सकते हैं कि अगर कितने भी फोर्स लग रहे हैं, दो है, तीन है, चार है और पांच है, कितने भी हैं, अगर इक्वल एंगल पे लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो हमेशा जीरो ही होता है। अगर ये इक्वल है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 न्यूटन है, 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 तो ये सिक्स, मतलब ये इक्वल एंगल पे लग रहे हैं, थीटा 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 और ये थीटा, ठीक ना, और ये 36 डिग्री आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो तुम देखोगे यहाँ से 36 डिग्री पर लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा भाई? जीरो बनेगा। यू मस्ट रिमेंबर दिस थियोरी, आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बेसिक थियोरिटिकल क्वेश्चन था।